इसलिए आपको मार्केट ऊपर दिख रहा है। तो ठीक है, फंडामेंटली कल भी कुछ बदला नहीं था, यूएस मूड बिगाड़ रहा तो हम पिट गए, तो आज कुछ नहीं बदला है तो कम से कम तेजी का दिन तो बन ही जाएगा। मंगलवार है, हाँ, वो डिवाइन इंटरवेंशन का दिन। यस, तो भाई मानस ने लगातार वार्न कर रखा था बाजार दिक्कत में है, ये सेलोन राइस का मार्केट है, प्रेशर माउंट होगा, और आपने देखा रह रहे कि किस तरह से दबाव हर ऊपर के बाउंस में वापस ही इवेंचुअली प्रेशर ही माउंट हुआ। मानस, आज इस 100 पॉइंट के गैप आपको कैसे प्ले करा जाएगा, ये उछाल में बिकवाली करने के वापस मौके दे रहा है आपको या कुछ मूड बदलेगा? गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग नीरज जी। तो देखिए, अगर हम ट्रेंड की बात करें तो ट्रेंड तो अभी भी निगेटिव है, इसमें कोई शक नहीं है। कल केवल एक पॉजिटिव चीज ये हुई कि निफ्टी ने एटलीस्ट अपना 200 डे मूविंग एवरेज ब्रेक नहीं किया, उसके नीचे नहीं गया, वहां पर क्लोजिंग नहीं दी, वो एक पॉजिटिव पॉइंट है। तो एटलीस्ट हमें ये पता है कि वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है 17,800-18,850 का। अगर उसके नीचे जाएगा तब तो आपको बिल्कुल मार्केट से निकलना पड़ेगा, क्योंकि गिरावट उसके बाद ज्यादा बढ़ सकती है। अब हमें इंतजार करना है 16,800 के लेवल ब्रेक करने का। खरीदारी की बात करें तो मेरे हिसाब से तो जब तक 17,200-17,300 का जो रेंज है, ये पूरा रेंज ब्रेक ना हो, इसके ऊपर जाके निफ्टी क्लोज ना हो, एग्रेसिव होकर लॉन्ग पोजिशन नहीं बनानी है। तो आपको दो स्तर पता है, 17,300 ऊपर के साइड पे जिसके ऊपर आपको एग्रेसिव होकर लॉन्ग पोजिशन बनानी है, लेकिन अगर 16,800 के लेवल ब्रेक हो जाए तब आपको शॉर्ट पोजिशन भी बना सकते हैं और अपनी लॉन्ग पोजिशन से आपको निकलना भी पड़ेगा। केवल इंट्राडे की बात करिए तो देखिए, आज 17,100 के लेवल अगर ब्रेक होते हैं तब आप चांस ले सकते हैं, ये उम्मीद कर सकते हैं कि शायद इंट्राडे सेशन में या तो 1 से 2 दिनों में 17,300-200 पॉइंट की रैली देखने को मिलेगी। लेकिन कंडीशन ये है कि 17,100 के ऊपर निफ्टी निकलना चाहिए, करीब 15 से 20 मिनट सस्टेन होना चाहिए, तो वो आपको इंतजार करना पड़ेगा। अगर 16,950 के नीचे फिसल जाए आज तो आपको बिल्कुल बिकवाली करनी है, क्योंकि उसके बाद 200 दिनों का मूविंग एवरेज टेस्ट होगा, 16,800 के स्तर देखने को मिल जाएंगे। तो 16,950 के नीचे सेल करना है 17,026 के स्टॉप लॉस से 16,800 के टारगेट के लिए। बैंक निफ्टी ज्यादा बेहतर लगता है, क्योंकि जिस तरह आईसीआईसीआई बैंक की वजह से कल हमने एक लोअर लेवल पे पुल बैक देख लिया बैंक निफ्टी में, तो एटलीस्ट उसने 200 डे मूविंग एवरेज को टेस्ट करके उसके ऊपर की क्लोजिंग दे दी, तो वो थोड़ा बेहतर है। लेकिन अभी भी ये कहना कि नहीं यहाँ से ट्रेंड चेंज हो जाएगा बैंक निफ्टी का, ये कहना बहुत मुश्किल है। मेरा समझना है कि बैंक निफ्टी का जो रिवर्सल का पॉइंट है मीडियम टर्म चार्ट पे, वो 36,600-36,700 है, उसके ऊपर निकलेगा तभी आपको एग्रेसिव होकर लॉन्ग पोजिशन बनानी है। इंट्राडे सेशन के लिए 36,500 के ऊपर सस्टेन करें तो 36,300 के स्टॉप लॉस से 36,900 के टारगेट के लिए आप प्ले कर सकते हैं। बिकवाली करिएगा 36,000 के नीचे, अगर उसके नीचे फिसल जाए तब तो आपको बिकवाली करनी है 36,150 के स्टॉप लॉस से, और तब आपके टारगेट 35,600 के रहेंगे। तो दोनों इंडाइसेस में कॉशियस रहिए, दोनों इंडाइसेस का जो मूड है, जो